हालांकि ये खबर अभी तक बाहर नहीं आई है कि स्वधा हॉस्पिटल में है। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि स्वधा के साथ कुछ गलत हुआ है। ध्यान देने की बात ये है कि आखिर अनुराग सर को ये कैसे पता चला कि स्वधा की हालत खराब है और वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है। खैर, वो जो सामान लेकर आए उसे उन्होंने अभिनव को दे दिया, क्योंकि अभिनव ने उन्हें डायरेक्ट स्वधा से मिलने के लिए मना कर दिया था। केके ने स्ट्रिक्ट होकर ये बात सभी को क्लियर कर दी है कि कोई भी स्वधा से नहीं मिल सकता। अनुराग सर वहां से चले गए। अभिनव थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर अनुराग सर को जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद अभिनव अस्पताल के उस वीआईपी कमरे में गया जहां पर स्वधा एडमिट है। अभिनव ने जाकर केके से कहा, बॉस, ये मैडम के टीचर अनुराग सर ने मैडम के लिए भेजा है। केके ने बिना उस सामान की तरफ देखे ही अभिनव को ऑर्डर दिया, उसे फेंक दो। अभिनव ये सुनते ही वापस जाने लगा तो केके ने अभिनव को रोका और उससे कहा, मैंने सारे पेपर्स अच्छे से देख लिए हैं और साइन भी कर दिए हैं, तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो। अभिनव वो पेपर्स की फाइल उठाता है और वहां से निकल जाता है। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और धीरे धीरे स्वधा को एडमिट हुए पूरे 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक स्वधा को होश नहीं आया। अब केके के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में हरीश के केबिन में जाता है जहां पर प्रवीण और राहुल पहले से मौजूद हैं। केके जाते ही हरीश की कांच की टेबल पर एक जोर की लात मार देता है। केके की लात पड़ते ही वो बेशकीमती टेबल चकनाचूर हो जाता है। केके गुस्से से कांपते हुए हरीश से कहता है, अगर एक दिन में स्वधा को होश नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। इतना कहकर केके वहां से निकल जाता है। हरीश बेचारा मुंह लटकाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। हरीश की बेचारगी देखकर प्रवीण और राहुल दोनों ही उसके मजे लेने लगते हैं। उन्हें इस तरह से चिढ़ाते हुए देखकर हरीश राहुल से कहता है, मैंने कल तुम्हारी इतनी मदद की और आज तुम मेरी हालत पर हंस रहे हो। राहुल हरीश से कहता है, अरे पर मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हरीश जानता है कि स्वधा अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश क्यों नहीं आ रहा इसका कारण उसे नहीं पता। अब कैसे भी करके स्वधा को होश में लाना ही पड़ेगा। हरीश बैठा यही सब सोच रहा है कि दूसरी तरफ केके स्वधा के पास जाता है। तभी केके की नजर आरती और आलोक पर पड़ती है। आलोक को देखते ही केके का खून जलकर राख हो जाता है। केके गुस्से में पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। केके की आवाज आते ही आलोक पीछे मुड़कर देखता है। केके को देखते ही आलोक उसकी तरफ लपकता है और केके की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। आलोक गुस्से से केके को झकझोरते हुए कहता है, अगर स्वधा को आज होश नहीं आया तो मैं उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, बाहर की कंट्री के डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, उनसे स्वधा का इलाज कराऊंगा, लेकिन दोबारा तुम्हें स्वधा के आसपास भटकने नहीं दूंगा। आलोक अपनी बात कह ही रहा है कि तभी केके ने आलोक के पेट में एक जोर का पंच दे मारा। थोड़ी ही देर में आलोक जमीन पर जा गिरा। आलोक को ऐसे जमीन पर गिरते देख आरती आलोक की तरफ भागी। केके ने आलोक को वार्न करते हुए कहा, आज के बाद मेरे लोगों के बीच में आने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली का ख्याल खुद रख सकता हूँ। इधर जब आलोक और केके के बीच में लड़ाई चल रही है, तभी स्वधा के कमरे से चीखने की आवाज आती है। ये आवाज स्वधा की ही है, जिसे सुनकर केके सीधे उसके कमरे की तरफ भागता है। उसके पीछे आरती और आलोक भी स्वधा के कमरे की तरफ भागते हैं। स्वधा की चीख में दर्द है। हॉस्पिटल के अंदर मौजूद जिस शख्स ने भी उस चीख को सुना, वो उस चीख को इग्नोर नहीं कर पाए। केके जब अंदर स्वधा के पास जाता है, तब वो देखता है कि स्वधा खाली आंखों से दीवार की तरफ देख रही है। उसका नाजुक शरीर और भी ज्यादा कमजोर पड़ गया है। वो दीवार की तरफ ऐसे ताक रही है मानो उसके भीतर अब किसी भी चीज की कोई भी उम्मीद ना रह गई हो। केके दौड़ता हुआ स्वधा के पास जाता है और उसे अपने सीने से चिपका लेता है। स्वधा केके को देखकर जैसे किसी सदमे से बाहर आ जाती है। स्वधा को जब होश आया तो उसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया। उसे लगा कि शायद अब वो दोबारा कभी केके से नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब जब स्वधा ने केके को खुद के सामने खड़ा पाया
तो वो जोर जोर से रोने लगी। स्वधा को रोते देख केके का दिल भर आया। स्वधा को इस तरह रोते देख केके ने स्वधा के बालों को सहलाते हुए कहा, चांद मुझे माफ कर दो, मैं समय से नहीं पहुंच पाया, पर अभी तुम मेरे पास हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। केके ने जैसे ही इतना कहा, स्वधा को न जाने क्या हुआ, उसका रोना और तेज हो गया। स्वधा ने रोते हुए कहा, मास्कमैन, मुझे लगा अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। स्वधा ने रुंधे गले से बस इतना ही कहा और उसके बाद और ज्यादा तेज रोने लगी। स्वधा पूरे 5 दिन के बाद होश में आई है। जिस तरह से वो केके से चिपकी हुई बस रोए जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि स्वधा ने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। इधर आलोक और आरती दोनों खड़े होकर केके और स्वधा को देख रहे हैं। स्वधा की इस हालत पर जहां आरती का दिल दुखी है, उसकी आंखों में भी पानी है, वहीं आलोक का दिल दर्द से तड़प रहा है। वो अभी भी स्वधा की इस हालत का जिम्मेदार केके को मानता है। आलोक ने जब स्वधा को केके से इस तरह चिपके हुए देखा तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जलन से अपनी मुट्ठियां भींच ली लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी केके ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ कोई हरीश को बुलाकर लाओ, उससे कहो स्वधा को होश आ गया है। जब हरीश को ये खबर मिली कि स्वधा को होश आ गया है तो वो खुशी से पागल हो गया। हरीश दौड़ता हुआ स्वधा के पास आया और उसने स्वधा से कहा, अच्छा हुआ स्वधा तुम्हें होश आ गया, वरना आज केके भाई तो मेरा खात्मा कर देते। केके ने जब हरीश की ये बात सुनी तो गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा। हरीश तुरंत समझ गया कि अभी कुछ भी कहना उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। केके के गुस्से का सामना करना हरीश के बस की बात भी नहीं थी, इसीलिए हरीश चुपचाप स्वधा के पास गया और उसने स्वधा को लेटने का इशारा किया। जितनी देर तक हरीश ने स्वधा को एग्जामिन किया, उस पूरे टाइम स्वधा ने केके की शर्ट को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बहुत बड़ी भीड़ में अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ पाता, बिल्कुल उसी तरह स्वधा एक पल के लिए भी केके को खुद से दूर नहीं जाने दे रही है। हरीश ने जब अच्छे से चेक कर लिया तो उसने कहा, घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्वधा को अभी हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, 1-2 दिन के बाद घर ले जा सकते हैं। हरीश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली। आरती सीधे स्वधा के पास गई और उसने उदास होकर कहा, सॉरी स्वधा, अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, मुझे माफ कर दो यार। स्वधा ने आरती के उदास चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आरती से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इतना मत सोचो। तभी केके ने कहा, इस वक्त स्वधा को आराम करने की ज्यादा जरूरत है, अभी उसे आराम करने दो, बाद में बात कर लेना। जब आरती ने केके की बात सुनी तो वो तुरंत बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। आलोक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आरती ने आलोक को इशारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। इस वक्त कमरे में स्वधा और केके को छोड़कर बाकी जो लोग खड़े हैं वो है राहुल, प्रवीण, हरीश और अभिनव। आरती और आलोक के बाहर जाने के बाद केके ने धीरे से अपना हाथ स्वधा के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन स्वधा ने केके का हाथ और कसकर पकड़ लिया। स्वधा केके को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती है। केके ने बहुत प्यार से स्वधा से कहा, चांद तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, मैं उसके लिए ही जा रहा हूँ। स्वधा ने सिर हिलाकर मना किया और कहा, आप कहीं मत जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, बस आप मुझे छोड़कर मत जाओ। केके ने स्वधा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। वो स्वधा की हालत देखकर समझ सकता है कि उसे किस हद तक परेशान किया गया है। केके ने हरीश से पूछा, हरीश स्वधा क्या खा सकती है? हरीश ने कहा, जाहिर सी बात है कुछ हल्का फुल्का ही। केके ने अभिनव को ऑर्डर दिया कि वो घर जाकर स्वधा के लिए कुछ हल्का सा खाना लेकर आए। उसके बाद केके स्वधा के पास ही बैठ गया। स्वधा ने अपनी आंखें मूंद ली और केके ने स्वधा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, स्वधा अब तुम सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। स्वधा ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और बस इतना ही कहा,
मास्टरमैन, आप कहीं मत जाना, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। जब प्रवीण और राहुल ने देखा कि अभी फिलहाल सब नॉर्मल है, तो वो दोनों भी वहां से अपने अपने काम के लिए निकल गए। हरीश भी बाहर आ गया। जब हरीश बाहर आया तो उसने देखा कि आरती और आलोक बैठे हुए हैं। हरीश आरती को जानता है, इसलिए उसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा, तुम लोग अभी भी यहाँ बैठे हो, अभी तुम लोग भी घर जा सकते हो। हरीश ने तो इस बात को बहुत ही नॉर्मल वे में कहा, लेकिन आलोक, जो कि पहले से केके से चिढ़ा बैठा है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आलोक ने चिढ़कर हरीश को जवाब दिया, तुमसे मतलब, जब हमारा मन होगा हम तब वापस जाएंगे, तुम अपने काम से काम रखो। हरीश ने जब ये सुना तो उसका पारा गर्म हो गया। उसने आलोक की तरफ घूर कर देखा और आलोक से कहा, मुझे तो जरूर मतलब है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस मतलब से यहाँ रुके हुए हो। आलोक ने जब हरीश की बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने हरीश से कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? मैं 2 मिनट में तुम्हारे ये अस्पताल बंद करवा सकता हूँ, आई बात समझ में? हरीश ने हंसते हुए कहा, ओहो, अगर तुमने मेरा हॉस्पिटल बंद करवा दिया तो मैं तुम्हारे पापा की कंपनी को हथिया लूंगा, सुना है बहुत पैसा है उनके पास। जब आलोक ने हरीश की ये बात सुनी तो उसने दांत पीसते हुए हरीश से कहा, क्या तुम्हें किसी ने अब तक ये नहीं बताया कि तुम निहायती बदतमीज आदमी हो? आलोक की बात सुनकर हरीश ने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी और आंखें बंद करके सोचने का नाटक करने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया। आरती ने जब देखा कि बिना वजह ही ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं, तो वो खड़ी हुई और उसने कहा, स्पर्धा भी आराम कर रही है, हम बाद में उसे देखने के लिए आएंगे, अभी यहाँ शोर मत मचाओ। हरीश ने जब आरती की बात सुनी तो आलोक को चिढ़ाने के लिए कहा, तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, सीखो कुछ इससे। आलोक आरती के साथ वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने जाते जाते हरीश से कहा, जो अंदर स्वधा के साथ बैठा हुआ है उससे कहना कि इस बार मैं स्वधा को यहाँ से ले जाऊंगा, अगर स्वधा उसके साथ रहेगी तो ऐसे ही किसी ना किसी खतरे में पड़ती रहेगी। आलोक की ये बात सुनकर आरती भी दंग है, उसे नहीं लगा था कि आलोक ऐसा कुछ भी कह सकता है। हरीश आलोक को देखकर मुस्कुराया और उसने उससे कहा, अगर तुम ये कर सकते हो तो करके देख लो। आलोक आगे की ओर बढ़ा और हरीश से बोला, कर लूंगा, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसके बाद आरती और आलोक भी वहां से चले गए। स्वधा को अस्पताल के जिस फ्लोर पर रखा गया है वहाँ और कोई दूसरा पेशेंट नहीं है। आरती और आलोक के जाने के बाद पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया। केके ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी इस फ्लोर पर नहीं आएगा सिवाय क्लीनिंग करने वालों के और नर्सेस के। हरीश ने खुद ये जिम्मेदारी ली है कि वो इस बात का खुद ध्यान रखेगा। हरीश ने सोचा कि एक बार वो खुद पूरे फ्लोर का चक्कर लगा ले। हरीश सब कुछ चेक कर ही रहा है कि अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हरीश का दिल जोर से धड़कने लगता है। किसकी आवाज को सुनकर हरीश इतना घबरा गया? क्या स्वधा को फिर से किसी खतरे ने घेर लिया है? क्या आलोक सच में स्वधा को केके से दूर ले जा पाएगा? केके स्वधा के डर को कैसे दूर करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए डर का क्या रूप होता होगा, क्या रंग होता होगा। डर में इंसान हमेशा लाल क्यों पड़ जाता है? क्यों डर हमेशा इंसान को चीखने पर मजबूर कर देता है? हम सब अपने अंदर अपने अपने डर को छुपाए बैठे हैं, लेकिन जैसे ही डर हम पर अपना कब्जा जमा पाता है, वो हमें चैन से अपनी आंखें तक बंद नहीं करने देता। हरीश ने जब दर्द भरी चीख के बाद अपना नाम सुना तो वो तेजी से भागते हुए स्वधा के कमरे में गया। स्वधा नींद में है, उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो जोर जोर से बड़बड़ा रही है। उसके हाथ पैर उसके काबू में नहीं है। स्वधा के चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा है कि वो इस वक्त कुछ बहुत ही भयानक देख रही है। स्वधा कह रही है, मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मॉम वो देखो वो लोग, मॉम मॉम वहां मत जाओ मॉम। स्वधा लगातार अपनी मॉम से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वो जोर जोर से अपने हाथ पैर पटक रही है। केके जब हरीश को देखता है
उससे कहता है। स्वधा अक्सर नींद में बातें करती है पर इस तरह नहीं। स्वधा को क्या हो रहा है? हरीश कहता है, रुको मुझे समझने दो पहले। इधर स्वधा लगातार बस यही कह रही है, मॉम आप मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम लोग इधर मत आओ, मॉम प्लीज मेरी बात सुनो। स्वधा के चेहरे पर दर्द है, उसका चेहरा डर से नीला पड़ रहा है। हरीश भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वो ये सब देखकर हैरान है। वो स्वधा का चेकअप करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक से स्वधा उठकर बैठ गई और वो जोर से चीखी, मॉम। स्वधा की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब स्वधा ने अपनी आंखें खोल दी है। वो नींद से बाहर आ गई है। स्वधा को जागते हुए देखकर केके ने चैन की सांस ली। केके ने स्वधा से पूछा, क्या हुआ था मेरी चांद को, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? स्वधा ने आंख खोलकर केके की ओर देखा और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, मास्कमैन मेरी मॉम, मुझे मेरी मॉम चाहिए, मेरे पास माँ क्यों नहीं है? केके स्वधा के चेहरे को ध्यान से देखता है और उसके दिल में स्वधा के लिए इमोशनल फीलिंग उभर आती है। वो स्वधा को अपनी बाहों में लेकर धीरे से कहता है, मेरी जान मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम इस तरह से परेशान मत हो। स्वधा केके की बाहों में ही हाँ में सिर हिलाती है। हरीश स्वधा से पूछता है, स्वधा अभी आपको ठीक लग रहा है? स्वधा खुद से ही बात करते हुए कहती है, मैंने सपना देखा कि मेरी मॉम को किसी ने ऊपर से नीचे की ओर धक्का दे दिया है और वो खाई में गिर रही है और मैं भी उनके साथ नीचे गिर रही हूँ। कुछ अजीब अजीब से चेहरे हम पर हंस रहे हैं और मैं मेरी मॉम को बचा नहीं पा रही हूँ। हरीश स्वधा की हालत को देखकर केके से कहता है, केके भाई इस समय स्वधा को ज्यादा सोचने मत दो, इससे उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। इस वक्त स्वधा का ज्यादा सोचना उसे खतरे में डाल सकता है। केके ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और हरीश से पूछता है, क्या इसका इलाज नहीं हो सकता? हरीश कहता है, जो भी स्वधा के साथ पास में घटा है उसका असर इनके दिमाग पर हुआ है, इसका इलाज मैं कैसे कर सकता हूँ? केके हरीश को धमकी देते हुए कहता है, अगर इसका इलाज नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें वापस से साउथ अफ्रीका भिजवा दूंगा, उसी जंगल में सड़ते रहना। हरीश डरकर कहता है, नहीं नहीं प्लीज ये मत करना, मैं दोबारा उस कंट्री में नहीं जाना चाहता। केके हरीश से कहता है, निकल जाओ भी यहाँ से। हरीश जैसे ही केके की बात सुनता है वो तुरंत दौड़ते हुए वार्ड से बाहर निकल जाता है। केके धीरे से स्वधा से पूछता है, क्या अभी भी हाथों में दर्द हो रहा है? स्वधा कहती है, नहीं अभी तो आराम है। सपने में डरने की वजह से स्वधा जोर जोर से अपने हाथ पटक रही थी। ऊपर से उसको पहले से ही काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से केके स्वधा से उसके हाथ के दर्द के बारे में पूछ रहा था। केके फिर से पूछता है, ठीक है तो फिर ये बताओ तुमने क्या सपना देखा था? स्वधा इस सवाल को सुनते ही अपना बीमार चेहरा केके की तरफ करती है और उसके हाथों को पकड़कर कहती है, मैंने देखा कि मेरी मॉम को किसी ने ऊपर से धक्का दिया और मैंने उसको कसकर पकड़ा हुआ है, फिर अचानक मेरा हाथ फिसलता है और मैं नीचे खाई में जाकर गिर जाती हूँ, फिर सब कुछ धुंधला हो गया। स्वधा जब इस सपने के बारे में बता रही होती है तब स्वधा की आंखें फिर से भर जाती हैं। केके ने जब देखा कि स्वधा फिर से बहुत इमोशनल हो गई है तो केके प्यार से स्वधा के माथे को चूमते हुए कहता है, मेरे रहते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे पता है कि हर बार दुश्मन तुम पर हमला करते हैं लेकिन अब नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। केके स्वधा से ये सारी बातें कर रहा है लेकिन स्वधा जैसे अपने ही किसी ख्याल में गुम है। स्वधा ने उन्हीं ख्यालों में गुम होकर केके से कहा, अब तो मैं अपनी मॉम का चेहरा भी भूल गई हूँ कि वो कैसी दिखती थी, मुझे कुछ याद नहीं, बस एक धुंधली सी परछाई है बस। केके स्वधा के सारे दुख खुद पी जाना चाहता है। वो स्वधा को इस हालत में नहीं देख सकता, वो उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है।
के स्वधा के गम में शामिल होते हुए कहता है, आपकी मॉम जहां भी हो सुकून में हो, अच्छे लोगों को भगवान कभी तकलीफ नहीं देता, आप ऐसे दुखी मत हो उनको लेकर। स्वधा ने भी केके की बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ भगवान मॉम को हमेशा अपने पास ही रखे, उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। स्वधा अब थोड़ी नॉर्मल है, केके से अपनी माँ के बारे में बात करके शायद उसे अभी अच्छा फील हो रहा है। स्वधा को थोड़ा नॉर्मल देखकर केके ने धीरे से स्वधा को पूछा, डार्लिंग क्या तुम आराम करना चाहती हो? थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब तुम उठोगी तो कुछ खाना भी खा सकती हो। जैसे ही केके ने ये सवाल स्वधा से किया, स्वधा ने तुरंत केके से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप मेरे साथ ही सो जाओ, मैं आपको पकड़कर सोना चाहती हूँ, मुझे सपना आता है कि मैं कहीं बंधी हुई हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। स्वधा की इतनी बेकार हालत देखकर केके उन दोनों किडनैपर्स के बारे में सोचते हुए आराम से स्वधा के बगल में लेट जाता है। उन्हीं दोनों की वजह से आज स्वधा इतने गहरे सदमे में चली गई है कि उसे सपने से भी डर लगने लगा है। केके उन्हें कोई आसान सजा नहीं देना चाहता, बल्कि उन दोनों को ऐसी सजा देने की सोच रहा है ताकि हर सेकंड उन्हें दर्द का एहसास हो पर उससे निजात पाने का कोई रास्ता ना मिले। ये सोचते हुए केके बड़ी सावधानी के साथ स्वधा के बगल में लेट गया ताकि उसके घाव पर कोई चोट ना आए। जैसे ही केके स्वधा के बगल में लेटता है, स्वधा उसको हक कर लेती है। केके थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, अगर वो खुद को सही से नहीं संभालता है तो स्वधा के घाव पर चोट लग सकती है। स्वधा के आराम से सो जाने के लिए केके उसको सपोर्ट करता है। स्वधा को अपनी बाहों में भरकर केके धीरे धीरे उसके पीठ पर थपकी देता है और स्वधा जल्द ही सो जाती है। केके जब देखता है कि स्वधा गहरी नींद में सो गई है तो वो धीरे से स्वधा से अलग होकर उठ जाता है। केके स्वधा को चादर उड़ाकर उसके माथे को प्यार से चूमता है और धीरे से वार्ड से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही आसपास खड़े सभी बॉडीगार्ड्स केके के पास आकर खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्टफुली पूछते हैं, जी सर बताएं हमारे लिए क्या आदेश है? केके ने वार्निंग देते हुए कहा, तुम लोग यहाँ मेरी स्वधा पर ढंग से निगरानी रखोगे, अगर तुम्हारे काम में जरा सी भी लापरवाही हुई तो तुम लोग जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गार्ड्स केके की वार्निंग सुनकर अंदर तक सहम गए, उन्हें पता है केके कितना खतरनाक आदमी है। सभी गार्ड्स ने एक साथ कहा, जी बॉस हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना कहने के बाद केके हॉस्पिटल से निकल गया। वहाँ से निकलकर वो अपने दोस्त प्रवीण के पास पहुँचा, वहाँ और भी काफी लोग मौजूद हैं। यूसुफ ने केके को देखकर शिकायत करते हुए कहा, भाई हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और आप इतना लेट आ रहे हैं। यूसुफ को अब तक वक्त की नजाकत का अंदाजा नहीं हो पाता है, वो अपनी बात ऐसे कहता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता, पर सच ये नहीं है, उसके बात करने का तरीका ही यही है। यूसुफ की बात सुनकर केके ने उसे घूरा और यूसुफ केके का जवाब पाते ही प्रवीण के पीछे जाकर बैठ गया। इधर हरीश ने राहुल से पूछा, तो बताओ कैसा लगा मेरा ये प्लान? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, हम इस पर सोच विचार कर सकते हैं। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर इसी बात पर तुम अपना फेवरेट वाला कैसीनो मेरे नाम कर दो। हरीश की बात सुनकर राहुल बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, बिल्कुल कर दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन दोनों की ये बातें सुनकर केके को कुछ समझ नहीं आता, वो वैसे भी स्वधा को लेकर काफी परेशान है, इसलिए केके वाइन की एक सिप लेते हुए उन दोनों से पूछता है, क्या मामला चल रहा है? केके के सवाल को सुनते ही प्रवीण केके से कहता है, अरे कुछ खास नहीं। प्रवीण नहीं चाहता कि केके अभी इस तरह की किसी बात को सुने, लेकिन हरीश केके से कहता है, केके भाई ये बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं बिजनेस में सही आदमी हूँ? हरीश का सवाल सुनकर केके ने हरीश से कहा, मुझे तो तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, ये बात मैंने हजार बार पहले ही कही है। केके के जवाब को सुनकर वहाँ बैठे बाकी लोग अंदर ही अंदर हंस पड़े और हरीश ने खिसियाते हुए कहा, नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे बारे में। प्रवीण ने जब देखा
कि बात कहीं और ही जा रही है, तो उसने केके से कहा, चिंता मत करो भाई, हम अपनी होने वाली भाभी के लिए एक यादगार पार्टी करने की सोच रहे हैं, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। दरअसल केके और उसके चारों दोस्त यहाँ पर स्वधा के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मिले हैं। इस दौरान हरीश केके को याद दिलाता है कि स्वधा का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने का प्लान है। केके स्वधा का बर्थडे बहुत यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि वो इस बार 22 साल की हो जाएगी। वास्तव में केके इस यूनिक सेलिब्रेशन के बारे में इत्मीनान से सोचना चाहता है, लेकिन अभी स्वधा हॉस्पिटल में जिस कंडीशन में है, इन सब चीजों के बारे में बात करना ठीक नहीं है। प्रवीण कुछ सोचते हुए अचानक केके की तरफ मुड़कर पूछता है, मैंने सुना है कि आपने उस पर हमला किया है, क्या ये सच है? प्रवीण के सवाल पर केके कहता है, मुझे नहीं पता, बस मैंने कुछ लोगों को रास्ते से हटा दिया है। तभी राहुल ने गुस्से से कहा, पर मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी। वो सभी लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका अंदाजा सिर्फ उन्हीं को है, पर कोई तो है जिसकी वजह से ये सभी परेशान हैं। केके ने वाइन का ग्लास उठाया और आखिरी घूंट खत्म करते हुए वो जाने के लिए खड़ा हो गया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। केके ने जेब से मोबाइल निकाला और गार्ड का नंबर देखकर बिना हिचकिचाहट के उसने तुरंत कॉल आंसर किया और कहा, हेलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ से गार्ड ने जवाब दिया, सर, वो मैडम हॉस्पिटल से गायब हो गई है। केके ने जब सुना कि स्वधा हॉस्पिटल से गायब हो गई है, तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों के नीचे तूफान उभर आया। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, कमीनो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सिर्फ कूड़े के ढेर हो, जिनकी जगह मेरे साथ नहीं बल्कि डस्टबिन के डिब्बे में होनी चाहिए। प्रवीण ने दहाड़ते हुए केके को देखा तो वो समझ गया कि जरूर कोई बात हो गई है। केके ने अपना कोट उठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। केके पूरे रास्ते दौड़ता रहा जब तक कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसने स्वधा को वार्ड में नहीं पाया। कुछ देर में उसकी बॉडी से गुस्से से भरी आग निकलने लगी। गार्ड घुटने के बल जमीन पर सिर झुकाए बैठे हैं। केके ऐसे लोगों को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता जो किसी काम के ना हो। केके गुस्से में पलटकर गार्ड को खींचकर एक लात मारता है और वो जाकर दूर गिरते हैं। आखिर स्वधा कहाँ चली गई है? क्या फिर से किसी ने स्वधा को किडनैप कर लिया है? क्या इस बार भी स्वधा की जान खतरे में है? अब केके स्वधा को कैसे ढूंढ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए